तो हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस सेशन के अंदर। और यहाँ पे ये सेशन रहने वाला आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। जैसे कि आप सबने यहाँ पे देख ही जो लिया होगा कि थंबनेल के अंदर, कि यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि क्वेश्चनों के अंदर जो आंसर राइटिंग है वो कैसे करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ गाइडलाइंस बताऊँगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। और यहाँ पे लास्ट में मैंने एक ऐसे एक डेमो टाइप डेमोस्ट्रेशन बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं और उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आंसर जो है वो कैसे लिखना है, ठीक है। सो ये वीडियो रहने वाली है बहुत ही आपके लिए यूज़फुल। वीडियो को ध्यान से देखें और जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंटर करते समय, वो यहाँ पे मैंने हर चीज़ डिस्कस करी हुई है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और जो मैं बात बोलूँगा वो ध्यान से सुननी है आपने। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आप, ठीक है। सबसे पहले तो कर ही दो और उसके बाद मुझे ध्यान से सुनो, ठीक है। लाइक कर दो वीडियो को आप भी, और लाइक अभी मत करो क्योंकि लाइक उसके बाद ही करना अगर ये वीडियो आपको लगता है कि नहीं कहीं ना कहीं ये आपको आने वाली है, हेल्पफुल रहने वाली है, तभी आप लाइक करना, ठीक है। बट चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चे हैं जो वो पढ़ सकते हैं गाइडलाइंस, ठीक है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो क्या होता है कि जब आपको मैंने लिखा है प्रिकॉशन कैप्ट इन माइंड बिफोर यू एंटर इनटू एग्जामिनेशन हॉल। तो अभी आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर नहीं गए हो लेकिन अभी जाने वाले हो, तो कौन कौन सी चीज़ें जो आपको माइंड के अंदर रखनी है। सबसे पहले तो अपना जो एडमिट कार्ड है ना भाई, लोग उसका प्रिंटआउट नहीं भूलना है, ये तो सबको पता होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपके पास कोई फ़ोटो नहीं होती है, ठीक है, और जो आपका एडमिट कार्ड है उसके ऊपर आपकी क्लियर फ़ोटो नहीं आ रही है, जो आपकी वहाँ पे इमेज है वो अच्छे से नहीं दिख रही है। तो आपको क्या कर लेना है, एक एक्स्ट्रा फ़ोटो कॉपी जो है वो लेके जाना है अपने साथ, ठीक है। ये लिख रखा है मैंने, टेक एक्स्ट्रा फ़ोटो इन केस योर इमेज फोटोग्राफ इज़ नॉट क्लियर ऑन योर एडमिट कार्ड, ठीक है। तो अगर वो क्लियर नहीं है तो आप अपने साथ एक एक्स्ट्रा फोटोकॉपी लेके जाएंगे। उसके बाद हमारा क्या कहता है हमसे, ये कहता है कि आईडी कार्ड होना चाहिए आपके पास, हैविंग योर फोटोग्राफ। कोई भी आईडी कार्ड चलेगा, ठीक है। आधार कार्ड हो सकता है आपका, इग्नो का आईडी कार्ड चल सकता है, ठीक है। मतलब उसके ऊपर आपका फोटोग्राफ होना ज़रूरी है। तो ये हमारी सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में अंदर जाने से पहले आपके पास होनी चाहिए। फिर देखो, टाइम आपके पास 3 घंटे का पेपर होता है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि पानी पीने कभी कभी जाने देते हैं, कभी नहीं जाने देते हैं। तो इसीलिए कहता हूँ अपने साथ एक पानी की बोतल लेके जाओ, ट्रांसपेरेंट बॉटल बोट लेके जाओ पानी पीने वाली, ठीक है। उसमें पानी भर के ले जाओ तो वो आपके लिए आसानी रहेगी। उसके बाद ब्लू पेन आपको जो है वो यूज़ करना है, ठीक है, बॉल पेन यूज़ करना है आपको। ये हमारा हो जाता है फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद कहता है हमसे कि बी ऑनेस्ट एंड लेट्स एंटर इनटू एग्जामिनेशन हॉल। तो ऑनेस्ट रहना है, कोई चीटिंग चीटिंग करने की नहीं सोचनी है, कोई अपने साथ ऐसी भी सी चीज़ें लेके नहीं जाना है कि आप पे केस हो जाए और गलत हो जाए, है ना। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है, बी ऑनेस्ट रहो और अभी चलो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो देखो, आपको कुछ चीज़ें माइंड में रखनी है बिफोर आंसर राइटिंग। तो अभी आंसर लिखना शुरू नहीं करा है, सबसे पहले तो ब्लू पेन, ब्लू कलर पेन जो है हमारा वही यूज़ करना है। कलर गोल मारो, यहाँ से काटो इसको, आपको यूज़ ब्लू पेन ओनली, ठीक है। क्या करना है, ओनली ब्लू पेन यूज़ करना है, प्रॉपर मार्जिनिंग ऑफ द आंसर शीट। अब हम मैं नीचे बताऊंगा, मैंने एक यहाँ पे एक डेमो टाइप बनाया हुआ है उसको आप देख सकते हैं। तो प्रॉपर मार्जिन करना है, ठीक है। जैसे आपकी आंसर शीट है तो उसके जो मार्जिन है ना उनको प्रॉपरली आप जो है वो कर सकते हो, स्केल के साथ जो है वो प्रॉपरली मार्जिन बना सकते हो। जैसे यहाँ से बना लिया, इस साइड से बना लिया, ताकि जो आपका आंसर है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखा जाए, ठीक है। उसके बाद हमारा कहता है कि डोंट वेस्ट योर टाइम इन कॉपिंग क्वेश्चन। देखो, बड़े सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पूरा का पूरा उतारते हैं। तो क्वेश्चन क्यों उतारना है, सीधा आप जस्ट गो फॉर द आंसर बाय जस्ट राइटिंग योर क्वेश्चन नंबर। जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है वो लिखो, सिंपली लिखो क्वेश्चन नंबर, जैसे 2 कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 2, ये वाली लाइन खाली छोड़ के नीचे लिख दो आंसर, कहानी खत्म हो गई, ठीक है। तो वो आंसर क्वेश्चन लिखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद हमारा कहता है जस्ट रीड द क्वेश्चन पेपर एंड स्टार्ट राइटिंग द आंसर ऑफ क्वेश्चन यू आर इन परफेक्ट इन। तो मतलब पहले तो रीड कर लो क्वेश्चन, जो भी आपको 8-9 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपको सबसे अच्छा आता है, बेस्ट आता है, उसको लिखना शुरू कर दो, ठीक है। और टेक अ डीप ब्रेथ एंड लेट्स गो, हो गया। उसके बाद हमारा कहते हैं कि कुछ गाइडलाइंस हैं टू राइट अ परफेक्ट सिस्टमेटिक क्रिएटिव आंसर। लिखने के कुछ तरीके होते हैं कि प्रेजेंट करने के, जो आपके पास नॉलेज है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको अब आपको प्रेजेंट करना है, तो उसके कुछ तरीके बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले क्या करना है, जब भी आंसर लिखना है, अगर कुछ भी पूछा है आपको, कुछ भी पूछा है, हमेशा डिफाइन करना होता है उसको इंट्रोडक्शन से, ठीक है। मतलब उसको इंट्रोडक्शन से उसको हमें शुरू करना होता है, चाहे उसको आप इंट्रो दे सकते हो या मीनिंग दे सकते हो, कंसेप्ट, ठीक है। तो ये वहाँ पे नहीं लिखना होता कि कंसेप्ट मीनिंग इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन लिख सकते हो आप, मीनिंग लिख सकते हो, कंसेप्ट नहीं लिखना होता क्योंकि ये क्वेश्चन का पार्ट होता है। तो आप ये लिख सकते हो, शुरू में हमारा पार्ट होना चाहिए इंट्रो या फिर मीनिंग।
उसके बाद अगर कोई डेफिनेशन है पार्टिकुलर कोई स्कॉलर ने दी हुई है या कोई हमारा जो भी सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड अगर कोई पार्टिकुलर डेफिनेशन है अगर वो आपको लर्न है तो आप वो लिख सकते हो वहाँ पे। ये हमारा रहता है सेकंड पार्ट, ये सीक्वेंस वाइज चलेगा जैसे मैंने बताया हुआ, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड कहता है हमसे कि ट्राई टू मेक फ्लो चार्ट सिनॉप्सिस ट्री डायग्राम। देखो जितना पॉसिबल हो सके ना उतना ट्राई करना है आपने कि चीज़ों को जो है ना वो एक ना एक क्वेश्चन के अंदर आपको चाहे वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है चाहे वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है चाहे वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है हमेशा ट्राई करनी है आपने कि क्वेश्चन को क्वेश्चन के अंदर जो है वो एक डायग्राम टाइप बन जाए, ठीक है, जिसके अंदर चीज़ों को आप ऐसे दिखा दो कि जैसे किसी की टाइप्स बता रहे हो किसी के काजेस बता रहे हो तो टाइप्स के तुम नाम ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे करके बना के इसके चारों ओर तुम नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो एक कितना अच्छा तरीका होगा, उसके बाद एक्सप्लेन कर दो अपने हिसाब से। और यहाँ पे एक्सप्लेन करने के भी कुछ तरीके होते हैं, बड़े सारे बच्चे क्या करते हैं एक ही पैसेज के अंदर पूरा ऊपर से लेके एंड तक ख़त्म कर देते हैं ना, पूरा पेज के अंदर कोई लाइन नहीं छोड़नी है कुछ नहीं करना है। तो मैं सबसे पहले आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि राइट योर आंसर इन पैराग्राफ्स या पॉइंट्स विच एवर इज सूटेबल, जो आपको अच्छा लगे। अगर पॉइंट्स में बनता है आंसर तो पॉइंट में लिखने की कोशिश करो, अगर पैराग्राफ्स के अंदर बनता है तो पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करो। लेकिन मेरी एक सजेशन है कि पैराग्राफ आपका 6 से या 7 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन 7 लाइन होगी, इसके बाद एक लाइन छोड़नी है आपने, उसके बाद फिर से स्टार्ट करना है, ठीक है। एक लाइन छोड़ो बीच में, फिर यहाँ से स्टार्ट करो और ये ऊपर वाली जो है इन्हें देखो। देखो इससे क्या होगा ना, एक पॉजिटिव इफेक्ट, जब आप पूरा यहाँ से स्टार्ट करते हो और एंड तक पेज के ख़त्म तक पूरी की पूरी ऐसे ऐसे टाइप लिख देते हो ना तो वो इतना कौन पड़ेगा फिर उसमें, मतलब अगला जो एग्जामिनर है वो तो बोर्डम ही होगा ना फील उसको। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसके बाद वो हमसे कहता है कि आपको क्या करना है, अवॉइड राइटिंग इन फुल पैसेज। मैंने आपको बता दिया कि एक ही पैसेज के अंदर लिखना नहीं है आपको, जैसे ऊपर से लेके एंड तक ऐसे नहीं लिखना कि पूरा का पूरा पेज ऐसे कर दिया टुन। उसके बाद कहता है डोंट फॉरगेट टू राइट कंक्लूजन, और एंड में आपको कंक्लूजन जरूर लिखना है। देखो ये क्वेश्चन का करने का तरीका होता है सिस्टमेटिक वे से, और मैं ये गारंटी देता हूँ अगर इस तरीके को आप लिख के आते हो ना पेपर के अंदर, चाहे आप थोड़ा लिख के आते हो, मैं गारंटी देता हूँ कि आपके कोई भी मार्क्स ऊपर डिडक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें मैंने सारी की सारी जो है वो एक्सपीरियंस से गेन करा हुआ है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑल दी बेस्ट एंड आई होप दिस गोना वर्क फॉर यू ऑल, ये आपकी बहुत काम आने वाली है, गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। बाकी हमारे हिंदी माध्यम वाले बच्चे गाइडलाइंस यहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है। हिंदी में लिख रखा है मैंने कि परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पहले ध्यान में रखी जाने वाली कुछ सावधानियाँ, एडमिट कार्ड ले जाओ उसका प्रिंटआउट, यदि एडमिट कार्ड पर आपकी छवि फोटो स्पष्ट नहीं है तो एक अतिरिक्त फोटो ले जाएँ, ठीक है, एक्स्ट्रा फोटो लेके जाओ। आईडी कार्ड होना चाहिए जिसमें आपकी फ़ोटो हो, पारदर्शी पानी की बोतल, नीला पेन यानी ब्लू पेन, ईमानदार रहें परीक्षा हॉल में प्रवेश करें, ठीक है, और जितना ऑनेस्ट हो सकते हो उतना हो, गप्पे मारना नहीं है पेपर के अंदर, ठीक है। जब भी अटेम्प्ट करना है तो ऑनेस्ट रहो, हमेशा जो ट्रू है उस चीज़ों को दिखाओ, ठीक है। ये आप जो लिखते हो ना स्टोरी बीच में गप्पे, ये अवॉइड करनी है थोड़ी, इतनी सी मेरी सजेशन है, ठीक है। उसके उत्तर लिखने से पहले कुछ ध्यान में रखने वाली सावधानियाँ क्या क्या हैं तो मैंने आपको बता दिया, नीला पेन यूज़ करना है आपको, मार्जिनिंग करनी है जो आपकी आंसर शीट है प्रॉपरली जो उत्तर पुस्तिका है, फिर प्रश्न की नकल करने में अपना समय बर्बाद ना करें, केवल प्रश्न संख्या लिखकर उत्तर दें, मतलब सीधा क्वेश्चन नंबर लिखो आंसर लिखो। उसके बाद बस प्रश्न पत्र पढ़ें और उस प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करें जिससे आप पारगत हैं, मतलब सबसे अच्छा जो आपको आता है परफेक्ट है आप, फिर गहरी सांस लें और छोड़ें एंड देन लेट्स गो। उसके बाद हमारा आता है कि कुछ तरीके मैंने बताया रचनात्मक उत्तर लिखने के लिए, कुछ यहाँ पे दिशा निर्देश बताए हुए मैंने कि उत्तर लिखने की शुरुआत हमेशा परिचय से करें, इंट्रोडक्शन लिखें उसकी, अर्थ लिखें, मीनिंग हो गया संकल्पना कंसेप्ट से करें, ठीक है। परिभाषा अगर है कोई, डेफिनेशन है अगर कोई तो लिखें, अगर नहीं है तो मैंने लिखा ना यदि कोई है, मतलब है तो लिखनी है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। इंट्रो आपका ना मतलब कम से कम 10-12 लाइंस का होना चाहिए, ठीक है, उसके बीच में भी 2 पैराग्राफ्स बनने चाहिए इंट्रो देते समय, ठीक है। उसके बाद फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करें, साइनॉप्सिस ट्री डायग्राम बनाने का प्रयास करें जितना हो सका है, क्योंकि क्रिएटिव तभी बनेगा हमारा आंसर, ठीक है। फिर अपना उत्तर जो है उसको पैराग्राफ बिंदुओं में लिखें जो उपयुक्त हो, मतलब जो आपको सूटेबल लग रहा है, जो सही लग रहा है वहाँ पे, कि अगर पॉइंट्स के अंदर बनता है तो पॉइंट्स के अंदर लिखो, अगर पैराग्राफ के अंदर बनता है तो पैराग्राफ्स के अंदर लिखो, चाहे कोई भी आप आंसर जो है वो किसी भी पेपर का अटेम्प्ट कर रहे हो। पूरे गद्यांश में लिखने से बचें, पूरे पैराग्राफ में या पैसेज में लिखना नहीं है किसी भी आंसर को, पैराग्राफ जो है वो आपको 6 से लेकर 7 पंक्तियों में लिखें, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके बाद आप एक लाइन छोड़ो फिर से स्टार्ट करो, ठीक है।
फिर कहता है निष्कर्ष लिखना ना बोले, तो कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंक्लूजन आपको एंड में लिखना ही लिखना है, जब भी आप आंसर अटेम्प्ट करते हो उसके एंड में आपका कंक्लूजन होना ही चाहिए, और ये हर क्वेश्चन का कंक्लूजन बना सकते हो आप, ठीक है। वही लिखना होता है कंक्लूजन में, क्या करते हैं चीज़ों को कंक्लूड करते हैं हम कि इसका ये होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होता, ये बड़े लिए इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे होता है ऐसे होता है, ये चीज़ें बताते हैं हम, ठीक है। उसके बाद ये कुछ हो गया हमारा, उसके बाद हम देखो यहाँ पे मैंने एक बनाया हुआ है कि देखो प्रॉपर मार्जिनिंग कर लो, ठीक है। तो जैसे देख सकते हैं इग्नो आंसर राइटिंग, ये हमारा चैनल का नाम है, और सब्सक्राइब कर देना आपने, ये मैंने लिख रखा है। देखो यहाँ पे मैंने जैसे क्वेश्चन बनाया था, व्हाट इज सोशल मोबिलिटी एंड डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहो यहाँ पे, देखो मैंने कैसे स्टार्ट करा ये क्वेश्चन, तो मैंने इसलिए उतारा क्योंकि आपको पता नहीं चलना था, आपने सीधा क्या लिखना है यहाँ से लिखना है, ठीक है। सीधा आंसर लिखोगे आप और आ जाओगे, आप ऐसे भी कर सकते हो स्टार बना के, तो सोशल मोबिलिटी अंडरलाइन कर दो इसको अच्छे से और स्टार्ट कर दो। द शिफ्ट इन एन इंडिविजुअल स्टेटस फ्रॉम वन स्टेटस टू अदर, द शिफ्ट कैन आइदर बी हायर टू लोअर और वाइस वर्सा, उल्टा हो सकता है, मतलब लोअर से हायर भी हो सकता है, और इंटर जनरेशनल हो सकता है या इंट्रा जनरेशनल हो सकता है, ये मैंने एक डेफिनेशन सी लिखी है। तो ये हमारा हो गया इंट्रो, ये हमारा यहाँ तक पार्ट हो गया इंट्रो, आप इसको लंबा भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने लाइन छोड़ देनी है जैसे मैंने छोड़ रखी है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो उसके बाद मैंने ये लाइनें छोड़ी हुई है बीच में, ठीक है। देखो कितने क्रिएटिव तरीके से आप एक सिस्टमेटिक, और हमेशा मार्जिन ऐसे करके मार्जिन बना लो, ठीक है, दोनों साइड बनाए हुए हैं जैसे आपको दिख रहा है। उसके बाद अगर कोई डेफिनेशन है, जैसे ये हमारे कोई सोरोकिन थे, इन्होंने डेफिनेशन दी थी, तो डेफिनेशन से लिखो आप अकॉर्डिंग टू जो भी आपको आती है, एक दो एक आती है तो एक ही होनी चाहिए, एक तो आनी चाहिए आपको, उससे ज़्यादा जितनी आती हैं बहुत अच्छा है। तो फिर उसकी जो डेफिनेशन है वो लिख दो कि अकॉर्डिंग टू इसके द्वारा, ये जो है इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, या तो आपको सबको पता होता है लिखना होता है, फिर इसको भी अंडरलाइन कर लो अच्छे से, इसको अंडरलाइन करना है जो हमारा ये सोरोकिन है, इसका नाम अंडरलाइन करना है, फिर इनको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है। तो ये हमारा हो गया, ये इन्होंने डेफिनेशन दी थी, ठीक है, फिर इसको इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया, फिर से लाइन छोड़ो। अगर कोई और भी डेफिनेशन है तो सीरियल नंबर टू करके लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा यू कैन राइट एनी अदर डेफिनेशन इन द सेम वे, तो सेम तरीके से अगर कोई और डेफिनेशन है वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है, लाइन छोड़ दो। तो अगर आपको मैं फिर लास्ट में जो है वो जूम इन करके बताऊंगा कि पूरा कैसे दिखता है, ठीक है। उसके बाद जैसे हमारा आ गया टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ सोशल मोबिलिटी, इसके नीचे आप लाइन छोड़ो, अंडरलाइन करो अच्छे से इसको, ठीक है, लाइन छोड़ो। उसके बाद लिख दो, थोड़ी सी इंट्रो दे सकते हो कि सोशल मोबिलिटी एज वी ऑलरेडी मैंशन इन द अबव इंट्रो पार्ट, सोशल मोबिलिटी कैन वी हैव द वेरियस टाइप्स एंड फॉर्म्स एज मैंशन बिलो, तो कौन कौन सी। फिर उसके बाद जो है वो आप दो तरीकों से जो है वो बना सकते हो, जैसे देखो एक ट्री टाइप मैंने यहाँ बनाया हुआ है, इसके बीच में लिखा है मैंने टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी, इसके चारों ओर इसके नाम लिख रखे हैं जो जो सोशल मोबिलिटी की टाइप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जगह कम थी इसलिए मैंने ऐसे आपको ऐसे ही बनाना है, इसके चारों ओर लिखने हैं, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो वर्टिकल मोबिलिटी, अपवर्ड मोबिलिटी, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, डाउनवर्ड मोबिलिटी, इंट्रा जनरेशनल एंड इंटर जनरेशनल। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक कंप्लीट। अब मैं इसको जूम इन करके बता देता हूँ कि पूरा पेज कैसे दिखता है हमारा ये। तो देखो कुछ इस प्रकार से दिखेगा फिर ये आपको, देख लो, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से प्रेजेंट करते हो चीज़ों को तो कितना मतलब एक यूनिक वे से दिखता है, ठीक है, जब ऐसे करके आप आंसर लिखते हो पेपर के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ, तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्लो चार्ट, ठीक है, ऐसे करके फ्लो चार्ट और मैंने कर रखा है। टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी, इसको आप इसको कवर कर सकते हो, और उसके बाद जो नाम है वो इसके नीचे लिख सकते हो, ठीक है, सीरियल वाइज, जैसे वन हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी हो गया, फिर इंटर जनरेशनल मोबिलिटी, सेकंड वर्टिकल मोबिलिटी, तो ऐसे करके एरो बना के जो है वो सबके सब नाम लिख सकते हो तुम। ये जगह कम थी, ऐसे करके यहाँ पे सारे के सारे तुम नाम लिख दोगे। तो देखो कितना एक अच्छे तरीके से जब चीज़ों को तुम प्रेजेंट करोगे तो एग्जामिनर को यहीं से तो आइडिया क्लियर हो जाएगा कि नहीं यार बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी है ना, उसने चीज़ों को इतने अच्छे से प्रेजेंट करा हुआ, ठीक है। आपकी शीट जो है बिल्कुल ऐसे होगी, मार्जिन बना लो प्रॉपर, ठीक है, इससे लंबी होती है थोड़ी वो, ठीक है, लैंडस्केप मोड में होती है थोड़ी वो। उसके बाद आप देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, उसके बाद क्या लिख रखा है, एज वी मैंशन दी नेम्स ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ मोबिलिटी अबव ऑल आर डिस्कस इन डिटेल आर एज अंडर, फिर तुम जो है वो डिस्कस कर दो इनको, चाहे तीन लाइन्स के अंदर करो, चार लाइन्स के अंदर करो, और हमेशा ऐसे करना है। जैसे हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी अंडरलाइन करो, पहली आ गई हमारी, ठीक है, और इसके बारे में लिखो जितना लिख सकते हो, ठीक है, जहाँ पे लिख लो। उसके बाद सेकंड आ जाएगा हमारा, और बीच में एक लाइन जरूर छोड़नी है, जैसे मैंने ये छोड़ रखी थी, तो आपको जो है वो बीच में इसके लाइन छोड़ देनी है, जैसे ये लाइन छोड़ दो, फिर उसके बाद सेकंड वाली डिस्कस करो, फिर लाइन छोड़ो, फिर थर्ड वाली, और एंड सो ऑन सो ऑन, जितनी भी आप जो भी चीज़ें आपको पूछी गई, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, कंक्लूजन आ जाएगा, ठीक है।
लास्ट में जो हमारा पार्ट रहता है वो होता है कंक्लूजन, जैसे आपको दिख रहा है अंडरलाइन करो और कंक्लूजन लिख दो कि सोशल मोबिलिटी ये होता है, हमने ये पढ़ा, और सोशल मोबिलिटी थोड़ा थोड़ा सारे पॉइंट्स जो होते हैं उठा के निचोड़ लिखना होता है, आपने कंक्लूड करना होता है चीज़ों को, ठीक है। इन द लास्ट क्लियरली मैंने लिखा है, आपको क्लियरली मेंशन करना है द कंक्लूजन, कंक्लूजन लिख के हमारा क्वेश्चन हो जाता है ख़त्म, और फिर आपको इसको जो है वो नीचे से कवर कर सकते हो, लाइनें मार सकते हो, या फिर ऐसे करके क्वेश्चन नंबर वन का एंड हो गया, ठीक है। तो ये कुछ तरीका होता है पेपर को अटेम्प्ट करने का, और आई होप कि आपको ये जो मेरी छोटी मोटी जो स्ट्रेटजी थी ये बहुत काम आने वाली है। बस इसी तरह से करें पेपर को, और जो नोट्स हैं वो आप हमेशा शॉर्ट शॉर्ट बनाएं, ठीक है, ज़्यादा लंबा ना खींचें, नोट्स हमेशा शॉर्ट्स होने चाहिए, और खुद से बनाएं, खुद से मेहनत करें, खुद सीखें, ठीक है, चीज़ों को। और उससे क्या होगा कि जब आप खुद से बनाओगे नोट्स तो शॉर्ट नोट्स बनाओगे आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो लिखोगे, फिर जो एक्सप्लेनेशन है वो तो आप अंडरस्टैंड करके ही जाओगे ना, आप अंडरस्टैंड कर ली उसको पेपर में तो पूरा का पूरा नहीं लिख सकते ना जैसा हमने पढ़ा हो, ये तो मैं मानता हूँ इस चीज़ को। जैसे आपने अगर 10 पेज के नोट्स बनाए तो क्या 10 पेज आपने लर्न करके 10 पेज लिख सकते हो एग्ज़ाम के अंदर? नहीं लिख सकते आप, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की कि नहीं लिख सकते। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप नोट्स बनाते हो तो हमेशा एक चीज़ माइंड में रखनी है कि नोट्स टू द पॉइंट होने चाहिए आपके, क्या होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए, और शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करो, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हमारे, जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उन्हीं को बनाने की कोशिश करो, ठीक है। जब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद होंगे ना तो आप जो है जब एग्ज़ाम के अंदर करोगे तो आप अच्छे से जो है वो, अगर पॉइंट्स आते हैं ना आपको, जैसे हमें पता है कि मोबिलिटी की इतनी टाइप्स हैं, तो फिर आपको एक्सप्लेन करना है आपका एक सेकेंड का काम नहीं, आप तो कुछ भी इनका लिख सकते हो अगर अंडरस्टैंडिंग है तो। लेकिन अगर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही नहीं पता है कि मोबिलिटी टाइप्स कितनी है तो वो तो फिर तो कुछ नहीं लिख पाओगे ना, फिर तो वही ऐसे लिखोगे। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको माइंड के अंदर रखनी है, और आई होप कि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है गाइस। और अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज रह जाती हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, बड़े सारे बच्चे होते हैं जिनको ये क्वेरीज होती हैं कि हमारे जो इग्नो के एग्ज़ाम हैं वो कब होते हैं, या फिर असाइनमेंट कब बनानी होती है किस सेशन वालों को, तो सबमिट कब करवानी होती है। तो उनका मैं बता देना चाहता हूँ, जिनका सेशन होता है ना जैन सेशन होता है ना जिनका, जो दिसंबर जैन में जो एडमिशन होते हैं, तो उनको नेक्स्ट ईयर, ये उल्टा लिख दिया ना मैंने, बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाएगी, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे देखो दिसंबर जैन में जो एडमिशन होते हैं उनका जो असाइनमेंट सबमिशन करवाने का लास्ट डेट होता है वो होता है हमारा सितंबर अक्टूबर में, ठीक है, कब होता है अक्टूबर सितंबर में, ठीक है, ये मेरी बात याद रखना। और उनके पेपर होते हैं दिसंबर के अंदर, ठीक है, उनके पेपर होते हैं दिसंबर के अंदर। और जिनका सेशन होता है जून जुलाई, जिनके जुलाई के अंदर एडमिशन होते हैं उनको अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवानी होती है, कब उनको अपनी असाइनमेंट जो सबमिट करवानी होती है, नेक्स्ट ईयर मार्च के अंदर लास्ट डेट होती है, ठीक है, ये मेरी बात याद रखना। मतलब जैसे इन्होंने 2023 के अंदर अगर एडमिशन लिया है तो मार्च 2024 के अंदर इनकी जो है वो असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट होगी, ठीक है, तो ये मेरी बात याद रखना। उसके बाद आप असाइनमेंट जो है वो इग्नो की साइट पे जाओ, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और मैं वीडियो लेके आऊँगा जल्द ही। अगर आपकी कोई क्वेरीज रहती है आप खुद से असाइनमेंटें तैयार करो यार, ठीक है, खुद बना सकते हो, आसान है, मटेरियल आपके पास है, बस उसको छापना ही है। और असाइनमेंट से जो क्वेश्चन पेपर होते हैं ना ये आपको इग्नो की जो साइट है ना वहाँ से मिल जाएंगे, igno.ac.in पे लिखो, वहाँ से आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है, या सीधा सर्च कर लो इग्नो असाइनमेंट्स, तो वो सीधा आपको ले जाके जाएगा लिंक पे, वहाँ पे आप जो है वो ऊपर वहाँ पे बड़े सारे ऐसे करके ऑप्शन आते हैं, वहाँ लिखा होता है जैन 2023 सेशन, जुलाई 2023 सेशन, ऐसे करके लिख रखा होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको माइंड के अंदर रखनी है, बाकी अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज रह जाती हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए गाइस। और ये थी कंप्लीट डिटेल, और अभी मैं आपसे कहता हूँ कि अगर ये वीडियो आपके लिए मतलब आपको लगता है कि यूज़फुल रहेगी तो आप अभी वीडियो को लाइक करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सबको जो है वो इस चीज़ का पता चले कि कैसे क्या चीज़ों हमें करनी होती है, ठीक है। और बाकी ये जो बच्चों के माइंड में मिथ होता है, ये जो र्यूमर फैलाते हैं कि इग्नो मार्क्स नहीं देता, इग्नो ऐसे है वैसे है ना, कि तुम वैसे लिख के आओ तो तुम पास हो जाओगे, नहीं हो जाओगे, किसी से भी पूछ लेना उठा के जो गप्पे मार के आए होते हैं क्या वो पास होते हैं पेपर के अंदर कि नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये मैं कहता हूँ कि आप एक मंथ दे दो यार, ज़्यादा नहीं, बस कितने, एक मंथ दे दो, ओनली वन मंथ आपको इग्नो को देना है, बस पूरे साल के अंदर एक मंथ जो है वो इग्नो को दे दो, फुल्ली डेडिकेट होके पढ़ लो, तो मैं कहता हूँ कि आपके 75 से अबव भी मार्क्स जो है वो आपको आएंगे, ठीक है, इससे कम नहीं आ सकते, ठीक है, 75% बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये आपको माइंड के अंदर रखनी है, बाकी होप आर दी बेस्ट, सब सही होगा,
और अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, क्योंकि ज़िंदगी में ना ये मार्क्स वार्क्स लेके आजकल वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे मार्क्स कितने हैं, लेकिन ज़िंदगी में हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि हमें चीज़ों को सीखते रहना है, बस ये होना चाहिए कि चीज़ों को सीखते रहना है हमें, ठीक है, सीखना है बस, ये आपके अंदर जो है वो एंथुसियाज्म होना चाहिए कि चीज़ों को क्यूरियसिटी होनी चाहिए कि हमें नई नई चीज़ें सीखनी है, ठीक है। तो जब आप कर रहे हो तो सीख लो ना कुछ, एक महीना क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक महीना तुम इग्नो का पढ़ लोगे ना, तो बच्चे पढ़ते ही नहीं है यार, मेन प्रॉब्लम ये होती है, तभी इग्नो नंबर नहीं देता। अब नंबर कौन देगा, अब देखो इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो गई है, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले होता था कि तुमने अगर ऐसे कोई गप्पे भी मार के आए हो ना इग्नो के पेपर के अंदर, तो तुम्हें मार्क्स गुड मिल जाते थे, ऐसा होता था कि तुम्हें फेल तो कोई करता ही नहीं था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा हो गया, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है, ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ चुकी है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है, अब अगर लिखा होगा तो मार्क्स मिलेंगे, अगर नहीं लिखा है गप्पे मारी हैं तो नहीं मिलेंगे, फेल हो गए, ये पक्की होगी ये चीज़। ये बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे अभी बताते हैं, ठीक है। तो पहले होता था वैसे, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें माइंड के अंदर रखनी है, बाकी ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, आप इसको अच्छे से देख लें और इस हिसाब से चलें। बाकी आप सबको मैक्सिमम बच्चों को पता होता है स्ट्रेटजी की, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, लेकिन कुछ को नहीं पता होता, वो इसको देख लें अच्छे से, ठीक है। बाय बाय गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड हैव अ गुड डे।